डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे डेटेड 21/10/2020, क्लास 10th। आवर सब्जेक्ट इज साइंस एंड टॉपिक लाइफ प्रोसेस। आवर सॉफ्ट टॉपिक इज थ्रोम्बोसाइट्स, मीन्स ब्लड प्लेटलेट्स। एज यू नो दैट आवर ब्लड कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट कंपोनेंट। नंबर वन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। एंड देन वी हैव सम ब्लड कार्पसल्स, जिसमें RBCs के बारे हमने पढ़ा, हमने WBCs के बारे में पढ़ा। तो इसमें हमें रह गया है थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में, विच मीन्स ब्लड, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो हम टुडे आज के जो लेसन में हम देखेंगे कि व्हाट आर थ्रोम्बोसाइट्स एंड व्हाट आर ब्लड प्लेटलेट्स, व्हाट आर थ्रोम्बोसाइट्स आर ब्लड प्लेटलेट्स, and how much it takes, how much it takes times to maintain, yeah, how much time he they live, and now we have what are the क्या कहेंगे इसको, हम कितने इसमें कितने क्यूबिक एमएम में हमारे पास ये ब्लड जो है ये ब्लड में पाए जाते हैं, या हम देखेंगे कि ये है or they nucleated or non-nucleated, what are the shape of these blood platelets, तो हम ये यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर वन में जो है हमारे पास ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है, सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है, थ्रोम्बोसाइट्स दीज आर non-nucleated, दीज आर non-nucleated, राउंड और ओवल शेप्ड, बाय कन्वेक्स डेस्कलॉइड बॉडीज, फॉर्मड इन रेड बोन एंड बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। तो सबसे पहले जो थ्रोम्बोसाइट जो है, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। अगर हम शेप की बात करेंगे, दे आर ओवल और अराउंड इन शेप, दे आर ओवल और अराउंड इन शेप। एंड देन अगर हम इसकी देखेंगे कि ये कहां पे पाए जाते हैं, दे आर बाय कन्वेक्स डेस्क लाइक बॉडीज, फॉर्मड इन द रेड बोन मैरो, और किस एंड किस में काम करते हैं इनका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज थ्रोम्बोसाइट्स, दे हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेशन, मीन्स कि जब हम, अगर मैं उंगली को काट दूंगी, अगर मैं अभी मेरी उंगली कट जाएगी, तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि भाई ये यहां से खून जो बह रहा है, तो खून बहता जाएगा, और थोड़ी देर के बाद यहाँ देखेंगे ये खून जो है बहना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पर एक जैसा जिली जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसके ऊपर मीन्स कि इसको हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन, खून बंद हो जाता है, एक जिली जैसी बन जाती है खून के ऊपर, उसको हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन। ये किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से, किसकी वजह से, थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से। और ये जो अब हम देखेंगे इसका जो है हमारे पास ए में तो ये बात है, अब भी दूसरा पॉइंट जो है इसका, इसका लाइफ स्पान अगर हम देखेंगे, लाइफ स्पान जो है इज 8 days और 1 week, 8 दिन या 7 दिन इनका क्या होता है लाइफ स्पान, इतने दिन तक ये जिंदा रहते हैं, है ना। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स जो है, ब्लड प्लेटलेट्स प्लग द लीकेज एंड हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी, इफ द लीकेज इज नॉट प्लग्ड, इट वुड लीड टू लॉस ऑफ ब्लड एंड अल्टीमेटली लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर, विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। अगर ये ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगे, तो ये ब्लड प्लेटलेट जो है, नंबर सी पे हमें लिखूंगी ब्लड प्लेटलेट्स, या जिनको हम क्या कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ये क्या करते हैं,
plug the leakage and क्या करते हैं help, किसमें help करते हैं in clotting of blood at the site of injury. ये जो है ब्लड प्लेटलेट्स की लीकेज जो है जहां पर लीकेज होती है वहां पर जहां से ब्लड निकलता है उसको क्लॉट करने में क्या करते हैं ये मदद देते हैं. अगर ये ना होते तो यहाँ पर इतना ब्लड लॉस होता है, इतना ब्लड लॉस होता कि जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो भी लॉस हो जाता और जिससे क्या होता ये क्या करते हैं हमारे पास पंपिंग सिस्टम जो है उसको क्या करता है ये खत्म कर देता, बंद कर देता और अल्टीमेटली बात मार भी सकता है, ब्लड ज्यादा लीकेज हो जाएगा. उसके बाद अगर इसकी मिकदार जो हमारी बॉडी में कम होगी तो लो काउंट ऑफ प्लेटलेट जो है इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. अगर कम होंगे तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और अगर हाई प्लेटलेट होंगे उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस. अगर लो होंगे लो काउंट ऑफ प्लेटलेट्स कॉल्ड क्या कहेंगे इसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड हाई प्लेटलेट्स काउंट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोसिस. अगर कम होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, अगर ज्यादा होंगे तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है वो प्रोसेस. अब इसकी नॉर्मल जो एवरेज काउंटिंग है जो मतलब हमारी ब्लड के अंदर ये कितनी है, द नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट इज ये है तकरीबन 15,000 to 35,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड. कितनी है ये 15,000 से 35,000 जो है ये ब्लड की इसमें जो है ये ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड में पाए जाते हैं. तो यहां तक जो है हमारा थ्रोम्बोसाइटोसिस का मैंने आपको बता दिया कि दे आर नॉन न्यूक्लेटेड ओवल राउंड शेप बाय कन्वेक्स डिस्क लाइक बॉडीज फॉरवर्ड एंड रेड बोन मैरोस. उसके बाद लाइफ स्पैन जो है 8 डेज है. उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये लीकेज का काम करते हैं. उसके बाद इनका लो काउंट अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं और हाई प्लेटलेट जो है उसके इनको क्या कहते हैं, अगर हाई हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस. और नॉर्मल इसकी ब्लड प्लेटलेट्स की जो काउंट है कितना है 15,000 से 35,000 क्यूबिक एनएम ऑफ ब्लड. तो शुक्रिया, यहां तक आज का खत्म.